Hi guys, good morning. Welcome or welcome back to my YouTube channel. You guys are watching Balay Vlogs with another vlog. Guys, आज मेरी गुड मॉर्निंग तो सुबह 7 बजे हो गई थी क्योंकि हम सुबह सुबह 7 बजे गए थे फ्लावर वाली मार्केट जहाँ पे पूरे फूल मिलते हैं छतरपुर में. बट गाइज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी दूर दूर तक गाड़ियाँ पार्क हो रखी थी कि हम मार्केट में अंदर जा भी नहीं पाए. हमने बाहर बाहर से ही थोड़े बहुत फ्लावर्स ले लिए. मैं पहली बार गई थी और आज तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. ऑल्दो हम एक्सपेक्टेड था कि भीड़ होगी, बट इतनी ज़्यादा होगी ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था. तो बस फिर मैंने वहाँ पे ब्लॉक किया है, उसकी क्लिप्स मैं आगे ऐड कर देती हूँ, पहले वो देख लो. तो गाइज यहाँ पे हम पहुँच गए थे मार्केट में, लेकिन इतनी दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ी ना क्योंकि कहीं जगह ही नहीं थी और दोनों साइड रोड पे इतनी ज़्यादा दूर दूर तक पार्किंग हो रखी थी ना, बहुत बहुत भीड़ थी. पार्किंग देख लेते कैसे ला रही है ये वाली, लाओगे आप भी अपने उसके बाहर डालने के लिए. तो जिनको सिर्फ एक दो माला लेनी होगी वो तो बाहर से लेके चले जाएंगे. हाँ तो यहीं से ले लो. फूल भी लाएंगे फिर. ये देखो ऐसे वाले फूल लाएंगे. है कौन लोगों के पता. मंडी किस साइड है? उस साइड है. मंडी का चौक है पता है, मंडी 3 बजे खुल जाती है. चले घर को. हमने यहाँ पे सारे रियल फ्लावर्स रखे हैं और यहाँ पे भी, और ये दिए हैं और ये वो वाले दिए जो हमारे साथ अपनी गैलरी में लगाते हैं. ये कलर्स रंगोली के लिए और इसके अंदर भी थोड़ा बहुत स्टफ है और थोड़ा बहुत मम्मी ने लगा भी दिया. गाइस मैंने शार ले लिया है और हर साल दिवाली पे हम लोग हवन करते हैं. रुको फैन ऑफ करते हैं, आवाज़ नहीं आएगी. हाँ तो हर साल दिवाली पर घर पे हवन होता है तो ना शाम को रंगोली वगैरह बनाने में और सब चीज़ें करने में ना टाइम कम मिल पाता है. तो हम सोच रहे हैं इस बार कि अभी कर देते हैं, मॉर्निंग में फ्री भी हो जाएंगे और हवन भी हो जाएगा. तो अभी पहले हवन करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करेंगे, खाना वाना खाएंगे, तो तब मैं कंटिन्यू करूँगी. चलो हवन में चलते हैं पहले. सो गाइस हो गया हवन भी
और अब पहले लंच करेंगे, उसके बाद कुछ काम करेंगे। गाइज वी डोनेट देयर। सुबह से 6:30 हो गए, आपने देखा। इससे पहले हमने वो सारी प्रेप्स करी और अभी भी अब सारी जगह बस जलाने और रखना है, फिर मैं आपको फाइनल लुक देती हूँ कि हमने क्या चीज़ कहाँ पे सेट कर दिया है। और गाइस मेरे से तो कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मेरे वास्ते अब तैयार होना है, मेरे वास्ते नहीं है। गाइस नीचे का सब हो गया है, अब इस वाले फ्लोर की बात रही है। मैंने कोई लाइट अप करना है पूरा, ये मैंने इंस्टाग्राम से लिया था पूरा इसको, और काफ़ी एस्थेटिक भी लगता है ये, तो मेरे को भी ये पूरा लाइट अप करना है। बाकी यहाँ पे मम्मा ने भी थोड़ी पूजा की प्रैप्स करी है, तो चलो पहले ये कर देते हैं ना। दिस इज मंदिर वाला पार्ट पूरा जिसको हमने ऐसे सजाया है लास्ट से। रुको मैं दूसरे मोड से डेकोरेशन। वी मेड इट क्यूट रूम गाइस। पिछले जो मैंने वो दिया था ना होम टूर, उसमें ये अपडेटेड हो गया है, और एक ये भी अपडेट हो गया है आई थिंक। हाँ ये वाली टेबल और ये होम टूर में न्यू अपडेट, बाकी तो आई थिंक सब चीज़ें पहले से हैं, नॉट श्योर। और गाइस ये है मेरा दिवाली OOTN आई गेस। और इंस्टाग्राम पे जितना एस्थेटिक दिखता है रियल लाइफ में उतना एस्थेटिक नहीं होता है। मैं अब नहीं मन कर रहा बिल्कुल भी रेडी होने का, बट गाइज मैं क्या करूँ, मतलब पहले ना ऐसे सब रहते थे, सब मतलब सारी बहनें सब, तो रेडी होने का बहुत मन करता था, और अब ना ऐसे कोई होता नहीं है तो बिल्कुल मन नहीं करता। पहले तो फोटोज़ के लिए रेडी भी जाते थे, अब तो सोचते क्या ही करेंगे अकेले रेडी होके। और पता नहीं वो वाली रील वायरल हो रही ना आजकल, इतनी भी मैच्योरिटी इतनी करनी चाहिए कि फेस्टिवल्स की हैप्पीनेस खत्म हो जाए। गाइस गाइस इतना ही डेकोरेट किया है मैंने अपना घर, और जितना मैंने आपको दिखा दिया, और ये मेरे भाई का रूम है, आपने मेरे होम टूर में देखा ही होगा। एंड ये देखो इसकी इतनी प्रिटी बेडशीट लाई है ना मम्मा, इसका ब्राउन कलर है अभी, रुको देखो। और ये
अब तो मेरे पे फोकस होगा। हाँ मतलब प्यारा लग रहा है ना मेरे को आजकल इसका रूम, ये बेडशीट की वजह से। अब सब पूजा करेंगे और फिर डिनर करेंगे, ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट करते हैं हमारी हर साल। सो यस, सो आज गोवर्धन पूजा थी घर पे, उसकी क्लिप मैं इसके बाद ऐड कर रही हूँ, पहले देख लो। मैं इस वाले व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, और आज मैंने इसे प्रॉपर व्लॉग तो नहीं किया क्योंकि मैं सुबह से कुछ कर जा रही थी, इसलिए अब मैं इसको यहीं एंड कर रही हूँ। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, सी इन द नेक्स्ट वन।